वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल लाओ सीखो कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कभी हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं या कहीं भी कोई सी जगह पे हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि आईडी हम लोग को मांगा जाता है और वो हम लोग पास आईडी नहीं रहता है या हम लोग घर में भूल जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से हम लोग किस तरह से निकल सकते हैं और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में चले जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप एम आधार लिख के सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये मुझे ओपन का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैं यह ऐप को पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ। आप वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे इस तरह से आपका एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप अपना कुछ है, इसका सारा डिटेल है आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपका पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो आप कोई भी पासवर्ड 4 वर्ड का यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड मांगेगा, तो आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपका एक और पेज ओपन होगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा था। देखिए दोस्तों कि जो आप आधार नंबर यहाँ पे डाले होंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें आपका एक OTP मैसेज आएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो OTP मैसेज ले लेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने वो ऑटोमेटिक ले लिया, तो मैंने इन्हें वेरीफाई, नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दे रहा है तो इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, एक थोड़ा ये स्लो चल रहा है दोस्तों, ये सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे आपका एक पासवर्ड रखने का ऑप्शन फिर से देगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड एक रख लीजिएगा। इस तरह से हम लोग का आधार कार्ड यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर ये है कि देखिए दोस्तों, यह इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को ये ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे हम कहीं भी ट्रैवल या कहीं भी हम लोग आधार की कार्ड की ज़रूरत पड़ते हैं तो हम लोग तुरंत ये शो करके हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जहाँ पर आपका आधार कार्ड दिख रहा है तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर पीछे साइड आपका पासवर्ड, एक मिनट दोस्तों, आपके पीछे जो आपका बायोडाटा होगा ये सब आपको दिखने लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे दिखने लगा और यहाँ पे मुझे इसके पीछे साइड एड्रेस उड्रेस भी दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद, फ्रंट में क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस भी दिखने लगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वो बार कोड होता है, वो बार कोड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे थ्री लाइन में आप यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा होगा कोने साइड में ऊपर में, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शेयर eKYC 100 QR कोड, तो देखिए यहाँ पे QR कोड में आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे QR कोड आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, या आ गया कोई QR कोड। इस तरह से आप यहाँ पे इस एम आधार को यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। या कहीं आप प्रॉब्लम में फंस गए और आपका आईडी पूछा गया तो आप यह आधार शो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा जानकारी आपको अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।